नासिक में पिछले 3 महीने से सोयाबीन की किल्लत हो रही है। नतीजतन ढेर की कीमतें 40,000 रुपए से बढ़कर 95,000 रुपए प्रति टन हो गई हैं। ऐसे में पोल्ट्री कारोबारियों ने खुद को असमंजस में पाया है। नासिक में सोयाबीन ढेर की कमी देखने को मिल रही है और कीमतें 40,000 रुपए से लेकर 95,000 रुपए तक हैं। भारत में सोयाबीन का उपयोग ज़्यादातर पोल्ट्री फीड के रूप में किया जाता है। देश की कुल आय का 60% सोयाबीन के लिए प्रयोग किया जाता है। लगभग 25% सोयाबीन का निर्यात किया जाता है, जबकि 15% सोयाबीन को मानव भोजन बनाने के लिए संसाधित किया जाता है। नासिक जिले में पोल्ट्री व्यापारियों को प्रति महीने कम से कम 40,000 टन भोजन की आवश्यकता होती है। इसमें कम से कम 10,000 टन सोयाबीन होता है। वाणिज्यिक सोयाबीन को मुर्गी के भोजन के रूप में पसंद किया जाता है, क्योंकि सोयाबीन में प्रोटीन होता है। वे मुर्गियों के विकास के लिए पौष्टिक होते हैं। हालांकि कीमतों में मौजूदा वृद्धि ने पोल्ट्री व्यापारियों को मुश्किल में डाल दिया है, क्योंकि वे मूंगफली और सूरजमुखी के पकौड़े के विकल्प की तलाश में हैं। सोयाबीन अभी बाजार में नहीं पहुंची है। सोयाबीन अक्टूबर तक आ जाएगी, उसके बाद कीमतों में कमी आने की उम्मीद है। लेकिन पिछले 2 दिनों से राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश हो रही है। बारिश के चलते कई जगहों पर सोयाबीन की फसलें खराब होने की भी खबरें सामने आई हैं। बारिश से सोयाबीन में नमी की मात्रा भी ज़्यादा देखी जा रही है। अगर बारिश का दौर ऐसे ही चलता रहा तो सोयाबीन में आवकों के दबाव के साथ साथ नमी की वजह से भी कीमतों पर एक दबाव बनता हुआ नजर आ सकता है और कीमतें कम हो सकती हैं। सोयाबीन की कीमतों पर दोहरी मार पड़ती भी नजर आ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।